नवी मुंबई नेटवर्क। आज के समय में कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए एकमात्र जरिया है कोरोना वैक्सीनेशन, और ऐसे में शहर का एक भी नागरिक वैक्सीन से वंचित ना रहे, इसीलिए लगातार ऐरोली के विधायक गणेश नाइक ने हमेशा ही इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाए हैं। अपनी इसी कड़ी के तहत घंटसोली सेक्टर 11 में स्थित क्लाउड 36 यह पहला ऐसा रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनकर सामने आया है जिसने ऐरोली के विधायक गणेश नाइक और पूर्व विधायक संदीप नाइक के विशेष सहकार्य से रिलायंस हॉस्पिटल के माध्यम से कॉम्प्लेक्स में मेगा वैक्सीनेशन कैंप का सफल आयोजन किया। इस वैक्सीनेशन कैंप में कॉम्प्लेक्स के कमेटी मेंबर्स के उचित नियोजन, योग्य समन्वय और कोविड सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करते हुए 600 से अधिक लोगों को वैक्सीन लगवाई गई। मेरी सोसाइटी मेरी जिम्मेदारी इस सामाजिक भावना से ओतप्रोत इस कॉम्प्लेक्स की कमेटी के सदस्यों के साथ ही साथ हर एक व्यक्ति ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर इस वैक्सीनेशन कैंप को सफल बनाया। इस कॉम्प्लेक्स में आज के इस कठिन दौर में अपना सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए कॉम्प्लेक्स में उद्यान, पानी व्यवस्था, साफ सफाई, घर काम करने वाली महिलाएं, वाहन चालकों के साथ ही साथ सुरक्षा रक्षक जैसे दुर्लभ कामगार वर्ग को भी निशुल्क वैक्सीन लगाई गई, ताकि समाज का ये घटक आर्थिक तंगी के चलते वैक्सीन से वंचित न रहे। इसी सामाजिक भावना से उन्हें भी यह वैक्सीनेशन कैंप का भाग बनाया गया। कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने से लेकर अपनी वैक्सीन होने तक की पूरी प्रक्रिया यहां पर बिना किसी गड़बड़ी के बड़े ही सुचारू रूप से संपन्न हुई। तो वहीं वैक्सीनेशन के बाद लोगों को आधा घंटा पर्यवेक्षण के लिए भी एक विशेष व्यवस्था की गई। इस दौरान सोसाइटी के चेयरमैन, सेक्रेटरी के साथ अन्य सदस्यों ने मेगा वैक्सीनेशन कैंप को आयोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले ऐरोली के विधायक गणेश नाइक और पूर्व विधायक संदीप नाइक का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अगर उनका सहयोग नहीं मिलता तो शायद ये वैक्सीनेशन कैंप आयोजित करना मुश्किल होता। क्लाउड 36 कोऑपरेटिव सोसाइटी घनसोली की तरफ से मैं चेयरमैन आनंद फंसी जी बात कर रहा हूँ। ये जो कोविशील्ड का जो प्रोग्राम है, यहाँ पे जो स्थानीय हमारे नेता है गणेश जी नाइक साहब, उनके सहयोग से सारा एक संपन्न होने जा रहा है। काफ़ी इनका इसमें बहुत बड़ा योगदान है और इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं सोसाइटी की तरफ से कि बहुत सारी जो दिक्कत आ रही थी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, अगर एक घर में चार लोग हैं तो दो लोगों का रजिस्ट्रेशन होता है, दो लोगों को रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है। नाइक साहब से हमने रिक्वेस्ट किया कि भाई यहाँ पर वैक्सीन का जो है कार्यक्रम संपन्न किया जाए, और उन्होंने उनकी तरफ से काफ़ी हमको योगदान मिला। मेरा नाम प्रदीप सिंह चौहान है, GC क्लाउड 36 का मैं सेक्रेटरी हूँ। ये फंसे जी हमारे चेयरमैन हैं। हम लोगों ने अपनी सोसाइटी के जितने भी रहवासी हैं और प्लस जो यहाँ काम करने वाले कर्मचारी हैं उनका सबका वैक्सीनेशन कराने का निर्णय लिया था, जिसके लिए हमने रिलायंस हॉस्पिटल और उसके बाद NMC को अप्रोच किया। रिलायंस हॉस्पिटल ने हमारी इस निवेदन को स्वीकार किया, ये उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। उसके बाद NMC में जब अप्रूवल के लिए गए तो वहाँ पर हमको गणेश नाइक जी का बहुत बड़ा सहयोग मिला, जिनके सहयोग से हम उस हमारा आवेदन को स्वीकृति मिल पाई। और उसके बाद यहाँ हमने उसको एक बहुत व्यवस्थित रूप से, आप देख सकते हैं, बहुत व्यवस्थित तरीके से हमने उसको ऑर्गेनाइज किया है। सबसे पहले तो मैं माननीय गणेश नाइक जी को धन्यवाद बोलना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने ये अरेंज किया है और इट इज़ नॉट ओनली फॉर सोसाइटी पीपल, सबके लिए अरेंज किया है। खास करके हमारी जो मेड्स है, ड्राइवर्स हैं, जो भी नीचे जो भी काम मेंटेनेंस के लिए काम करते हैं उनके लिए ये भी अरेंज किया है। और जब मैंने वैक्सीनेशन लिया था, आई वॉज लाइक स्टैंडिंग 300 पीपल इन द लाइन ऑफ 300 पीपल,
नाउ यहाँ पे इतना स्मूथली चल रहा है. आई एम सो थैंकफुल टू गणेश नाइक सर कि उन्होंने ये अरेंज किया. थैंकफुल टू सोसाइटी. लोग 300 पीपल के लाइन में खड़े रहते हैं, उनका एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होता है. आधा तो एंग्जाइटी में वो आधे हो जाते हैं, बाद में गिडीनेस वगैरह आता है. लेकिन यहाँ भी जो स्मूथली सोशल डिस्टेंसिंग के साथ चल रहा है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है. लोगों में काफ़ी उत्साह है. सोशल डिस्टेंसिंग काफ़ी अच्छे से नियमों का पालन किया है. वेरी वेल डिसिप्लिन. आई एम सो मच हैप्पी विद द सोसाइटीज अरेंजमेंट. आई थिंक मैं सबसे ज़्यादा तो धन्यवाद देना चाहूँगा गणेश नायक जी का, संजीव नायक जी का, पूरी फैमिली, नायक फैमिली जो है वो हमेशा हमारे लिए तैयार रहती है. बहुत शॉर्ट नोटिस पे हमारे को ये पता चला कि यहाँ पर वैक्सीनेशन का कैंप, हम लोग काफ़ी समय से ट्राई कर रहे थे क्योंकि बहुत ज़रूरी है, कि क्योंकि करीब करीब 1000 लोग रहते हैं सोसाइटी में और सब लोगों का वैक्सीनेटेड होना बहुत ज़रूरी है, तो और स्लॉट्स मिल नहीं रहे थे बाहर में. सो रियली थैंकफुल टू देम, जिसकी वजह से हम लोगों ने बहुत स्मूथली ये पूरा का पूरा काम कर लिया आज. सो वंस अगेन थैंक्स सो मच नायक फैमिली फॉर बीइंग देयर विद द रेजिडेंट्स ऑफ क्लाउड 36. फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू थैंक श्री गणेश नायक जी, श्री संदीप नायक जी फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस टीडियस एफर्ट. बहुत बड़ा योगदान रहा है इन सबका, ये सब ऑर्गेनाइज करने में. इसमें केवल हम सोसाइटी मेम्बर्स ही नहीं, लेकिन सोसाइटी में काम करने वाले सारे लोगों को इन्होंने वैक्सीनेट करवाने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, सो दैट सीम्स टू बी वेरी गुड. एंड आई होप दिस इज़ कंटिन्यूइंग इन ऑल द अदर सोसाइटीज़ एज वेल, बिकॉज इससे बहुत बड़ा एक एडवांटेज ये होता है कि आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सोसाइटी में रहकर ही सारा वैक्सीनेशन हो रहा है. आई थिंक वी शुड से, आई मीन वी आर ऑल थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम. तो वहीं कॉम्प्लेक्स के अन्य मेंबर्स ने कहा कि आज के इस दौर में वैक्सीनेशन कैंप आयोजित करना समय की जरूरत है, और ऐसे में कैंप को आयोजित करने में विशेष सहकार्य करने पर उन्होंने भी गणेश नायक और संदीप नायक का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आज शहर के लिए ऐसे विजनरी नेताओं की बहुत जरूरत है. वो हमेशा से ही वो विजनरी नेता रहे हैं, लीडर रहे हैं, ऐसी नेताओं की जरूरत है आज हमारे देश को, हमारे शहर को, गंसोली को. तो बहुत ज़रूरी है, जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगा हमारे लोकल जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तब तक तो कोई मतलब नहीं बनता है लीडर होने का. तो वो तो हमेशा से मतलब खड़ा रहे हैं आम जनता के लिए, वो हमेशा से रहे हैं. मैं इसके पहले क्लब सेक्टर 6 में रहता था, वहाँ पे भी मैंने उनको देखा हुआ है कि काफ़ी क्लोजली वो काम करते रहे नागरिकों के साथ में, और आज भी वही हुआ है. मतलब वो तो ऐसे हैं कि जैसे जैसे उनका एज बढ़ता जा रहा है, वो और भी ज़्यादा मतलब जो कर्मठ होते जा रहे हैं और ज़्यादा थकते नहीं हैं. जो कहते हैं कि अथक रहो और बस बढ़े चलो, तो उनके साथ में वो हमेशा से रहा है. तो hats off to him. यह हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारी इस सोसाइटी के अंदर हम सबको वैक्सीनेशन हो रहा है, जहां पर हम लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है. इन हाउस सारे यहां पर हमारी फैसिलिटीज़ अवेल की गई हैं, जहाँ पर हम लोग, हमारा जो स्टाफ है, हमारे सर्वेंट्स हैं, मेड्स हैं, सबको कवर किया जा रहा है. एंड इट्स अ बिग ड्राइव एंड अ वेरी गुड इनिशिएटिव. एंड फॉर दिस पर्टिकुलरली ये हम लोग थैंक यू करना चाहेंगे गणेश नायक जी को, संदीप नायक जी को, जिन्होंने इसके लिए इनिशिएटिव लिया और पूरा कोऑर्डिनेट करके ये करवाए हैं. बहुत ही प्राउड मोमेंट है हमारे लिए यहाँ पे आज सोसाइटी के हिसाब से. और सबसे पहले तो मैं थैंक्स मिस्टर नायक फैमिली के लिए मैं बोलना चाहूँगा, श्री गणेश जी नायक, संजीव जी नायक, संदीप जी नायक का बहुत बहुत धन्यवाद कि जो भी हो रहा है उनकी वजह से हो रहा है. ऐसे पैंडेमिक में आज बाहर की तरफ किसी को मतलब पे करने के बाद में भी स्लॉट्स अवेलेबल नहीं हो रहे, और ये बहुत स्मूथली हमारे सोसाइटी के उनके वजह से जो प्रोसेस हो रही है, बहुत बहुत थैंक्स. और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं. इनके अलावा भी और भी बहुत जगह पे उनका, बहुत सारे सोसाइटीज़ में भी हमें पता चला कि वो वहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं. तो बहुत ही थैंक्स टू मिस्टर नायक फैमिली, श्री गणेश जी नायक साहब को भी. वैक्सीनेशन कैंप के दौरान किस तरह से नियोजन और सुरक्षा के दृष्टिकोण से कदम बढ़ाए गए और व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया गया, इस पर सोसाइटी के अन्य सदस्यों ने प्रकाश डाला. रियली रियली गुड, कारण लोकाना बरेचदा सीनियर सिटीजन्स ना बाहेर जाऊन तिथे उभा राहायला लागतं, नंबर लाग मिळतो नाही मिळत, टोकनसाठी प्रॉब्लेम असतो. सो दिस इज व्हेरी नाईस इनिशिएटिव्ह अँड दे हॅव डन इट व्हेरी नाईसली. यू कॅन सी द चेअर्स हॅव बीन प्लेस ॲट प्रॉपर डिस्टन्स, किंवा काउंटर आहे तिथे, ऑब्झर्वेशन रूम आहे, इथे वेटिंग रूम आहे, आतमध्ये त्यांनी सोय चांगली केली आहे. सो इट्स अ रिअली व्हेरी गुड इनिशिएटिव्ह अँड आय थिंक एव्हरी वन शूड ट्राय टू अचीव दिस काइंड ऑफ थिंग्स. सबसे पहले तो हम गणेश नायक को, श्री गणेश नायक को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे. श्री संदीप नायक जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे. उनके वजह से ही आज घनसोली में हमारा जो पहला सोसाइटी है
जो आज वैक्सीन दे जा रहे हैं। हम गणेश नाइक जी को और संदीप नाइक जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आम्ही गणेश नाइक साहब आणि संदीप नाईक साहेब यांना मनापासून धन्यवाद। त्यांच्या सहकार्यामुळे आमच्या इथे आज पहिल्यांदा वॅक्सिनेशन होत आहे। नाईक साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांच्या अनुभवामुळेच आम्ही अशी वाटचाल करत आहोत आणि त्यांच्याच मार्गदर्शनाखाली आम्ही काम करत आहोत, जेणेकरून नवी मुंबईतील लोक सुदृढ आणि सुरक्षित राहावेत। गणेश नाईक साहेब आणि संदीप नाईक साहेब यांच्या सहकार्याने आम्हाला ज्या काही परमिशन्स हव्या होत्या आणि जो काही सहकार्य हवं होतं ते पूर्णपणे मिळालेलं आहे आणि त्याच्यामुळे आमच्या सोसायटीमध्ये जेवढ्या लोकांना लसीकरणाची आवश्यकता होती त्या सगळ्यांना ते लसीकरण उपलब्ध करण्यात आलेलं आहे। इस दौरान निःशुल्क कोरोना का टीकाकरण देने के लिए कामगारों ने भी सोसायटी का आभार व्यक्त किया। मी इथं घरकाम करायला येतो, सोसायटीकडून आम्हाला लस दिली जाते, आम्ही धन्यवाद करतो सोसायटीवाल्यांना आम्हाला लस दिली जाते। आमच्या आरोग्याची काळजी सोसायटीने घेतली, आम्हाला चांगलं वाटतं, अशीच काळजी घ्यावा सर्वांनी पण। आम्हाला सोसायटीने तर लस दिली, आम्ही घरकामं करतात, आम्हाला खूप चांगलं वाटतं। आम्हाला बाहेरून भेटत नव्हती लस, आम्हाला आमच्या सोसायटीवाल्याने काळजी दिली आम्हाला लस। मी इथे एक सिक्युरिटी ऑफिसर म्हणून काम करतोय आणि आम्हाला सोसायटीने वॅक्सिन दिलेलं आहे आमच्या आरोग्याच्या स्वस्थ हेतूसाठी, चांगले आमचे राहावे म्हणून आरोग्य, आणि आमच्याकडून एक रुपया सोसायटीने घेतलेला नाही। बाहेर आहे ना वॅक्सिनेशन सेंटरमध्ये आपण गेलं तर खूप लाईन वगैरे लावा लागतात आपल्याला आणि ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन पण होत नाही, तर इथं आम्हाला लवकरात लवकर वॅक्सिन भेटते, त्याच्यामुळे आम्हाला सोपं झालेलं आहे वॅक्सिन। ब्युरो रिपोर्ट, नवी मी नेटवर्क।